कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने। प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने। ये बात भक्त और भगवान के बीच की है। आप सबसे भी प्रार्थना है, आंख बंद करके ऐसा ही महसूस करें कि आप ही ठाकुर के साथ बात कर रहे हैं कि हे नाथ, मेरी बात नहीं बन पा रही, ऐसी कौन सी क्या कमी है जो मेरी बात नहीं बन पा रही है, मुझ में कमी है या तुम चाहते ही नहीं। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। पड़ा तू रोज रहता है, पड़ा तू रोज रहता है। मैं बोला दूसरा कोई और हो, मैं बोला दूसरा कोई और हो तो। मैं बोला दूसरा कोई और हो तो दिखा दो मुझे। बोला दूसरा कोई और हो तो जमाने में। जानता हूँ तुम्हारे जैसे केवल तुम ही हो, नो अल्टरनेट नो सब्स्टिट्यूट, तुम्हारे जैसे केवल तुम ही हो। इसलिए वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। पड़ा तू रोज रहता है, पड़ा तू रोज रह। कि भाई हजारों लाखों हैं, मैं किस किसके पर कृपा करूं। तो भक्त कहता है यदि आपके खजाने भी खाली होने लगे तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो, हैं? अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो। हम समझेंगे चलो भाई कोई बात नहीं, कई बार होता ना बैंक करप्ट हो जाता है आदमी तो सेटलमेंट होता है। हम भी कह देंगे चलो पूरी बात ना बनाओ आधी बना देना, हम भी सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन अपने आप को दिवालिया तो घोषित करो। जल्दी रूठ जाने मैं बोला हो करे माहिर,
चल जल्दी रूठ जाने वे। भक्त और भगवान का संवाद, भक्त भी पीछे ही पड़ गया। अगर तुम्हें रूठना इतना जल्दी आता है तो जैसे ही मनाए मान भी तो जाया करो, तब क्यों नखरे दिखाते हैं? और ठाकुर भी सोचता है भाई ये तो बड़ी टेढ़ी बात हो गई, इसे ठाकुर भी बहाने लगा रहे हैं। फिर उसे भी ध्यान आता है, कहता है प्यारे नहीं कुछ साधना की है, वे बोले तो कहा मैंने। नहीं कुछ साधना की है, वे बोले तो कहा मैंने। उन्होंने भी कहा तूने ऐसी कौन सी साधना या उपासना की है जो मैं तेरी बात बना दूं? नहीं कुछ साधना की है, वे बोले तो कहा मैंने। नहीं कुछ साधना की है, वे बोले तो कहा मैंने। वे बोले तो कहा मैंने, वे बोले तो कहा मैंने। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। हाँ सरकार, मैं कोई साधना उपासना नहीं जानता, बस तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। इसे मैं कुछ साधना उपासना नहीं जानता। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने में। वे बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो भी चाहूंगा। वे बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो भी चाहूंगा। वे बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो भी चाहूंगा। वे बोले मेरी मर्जी है, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं, तेरे हिसाब से क्यों चलूं? ना तूने कोई साधना की उपासना की, मेरे जो मन में आए क्या करूंगा। तो भक्त भी ढीठ, वो भी कह देता है प्यारे अगर तुम्हें अपने मनमानी ही कर दी है, देखो प्यारे कुछ तो मेरी खुशियों का भी ऐ कन्हैया तुम्हें रहे ख्याल। कुछ तो मेरी भी खुशियों का ऐ कन्हैया तुम्हें रहे ख्याल। ये क्या हुआ कि हर बात में तेरी ही रजा चले है? तुम अखिल ब्रह्मांड नायक हो, सर्व जगत नियंता हो, तो अपनी मनमानी करोगे क्या है? वे बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो भी चाहूंगा। वे बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो भी चाहूंगा, करूंगा जो भी चाहूंगा, करूंगा जो भी चाहूंगा। भगत भी कहता है यदि तुम्हें अपनी मनमानी करने का इतना ही शौक है तो एक काम जरूर करना। क्या? मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहानी में। कर दो परिवर्तन करुणा निधि कहानी में। यदि तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो अपना नाम ये कृपा सिंधु, करुणा सिंधु,
ये हटा दो ना, फिर करते रहो अपनी मनमानी। एक तरफ करुणा सिंधु बने रहना चाहते हो, कृपालु कहलाना चाहते हो, और अपनी मनमानी करना चाहते हो, ये दोनों काम होने वाले नहीं है। हाँ, मैं बोला कर दो परिवर्तन, करुणा निधि कहने कर दो परिवर्तन, करुणा निधि कहने। अब बेचारा ठाकुर भी फंस जाता है, कहता है अच्छे भगत से पाला पड़ा है, इसलिए वो कहता है, फिर ठाकुर भी कह देता है, वे बोले गर ना दया होती तो जन राजेश क्यों होते, बोले करुणा होती तो जन्म राजेश क्यों होते। यदि मेरी दया नहीं होती तो तू मेरे दरबार तक कैसे पहुंच पाता, किस क्यों मेरे तैसे बातचीत कर पाता। भगत कहते हैं जब दया ही करनी है तो पूरी करो ना, आधी अधूरी क्यों करते हो। दरबार में तो बुला लिया, लेकिन ये पर्दे की ओर से बातें क्यों करते हो, ये पर्दा हटाओ, मेरे सामने आकर बातचीत क्यों नहीं करते, एक बार अपना मुखड़ा क्यों नहीं दिखा देते। वे बोले करना दया होती तो जन राजेश क्यों होते, वे बोले करना दया होती तो जन राजेश क्यों होते, हाँ तो जन राजेश क्यों होते, तो जन राजेश क्यों होते। मैं बोला हर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने, मैं बोला हर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने, मैं बोला हर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने, मैं बोला हर्ज फिर क्या है मुझे मुख छवि दिखाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में, मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने।